Friends, we are preparing for competitive examination for uh, different chapters, and these are the questions which are prepared in the view of joint entrance examination JEE and NEET. So, uh, whatever is the examination, wherever communication is in the syllabus, you can prepare with the help of these questions. So, first question we see. Two waves A and B of frequency 2 MHz and 3 MHz are beamed in the same direction for communication via sky wave. Okay, which one of these is likely to travel longer distance in the ionosphere before suffering total internal reflection? Okay. And there is a choice. दो वेव्स हैं हमारे पास एक टू मेगा और एक थ्री मेगा और इनका प्रॉपिगेशन हमको पता है टू मेगा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले जो होती हैं वो ग्राउंड वेव्स में नहीं जाती हैं वो स्काई वेव के फॉर्मेट में जा रही हैं स्काई वेव में क्या होता है कि वेव जो है उसको हम बीम करते हैं टूवर्ड्स स्काई एट सर्टेन एंगल और ऊपर जाकर आइनोस्फियर से वो रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्ट होकर वो वापस ग्राउंड पर आती हैं तो ये हमारा प्रोसेस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय आइनोस्फियर। तो इसमें ये हमारे पास ओके आई विल ड्रॉ इट हेयर देखिए ये इस तरह से ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर ये वेव आती है यहाँ पर ये ऊपर से क्यों वापस आई है क्योंकि इसके पास यहाँ पर आइनोसफियर ये आइनोसफियर की डिफरेंट लेयर्स हैं F1, F2, F3 इस तरह की डिफरेंट लेयर्स हैं तो इनसे टकराकर कर ये वापस आएगा ओके अब ये जो यहाँ से वेव जा रही हैं इसमें कॉम्बिनेशन है टू और थ्री एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एक की फ्रीक्वेंसी कम और हमसे क्या पूछा जा रहा है That which one of this is likely to travel longer distance in the ionosphere before suffering total internal reflection. दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हैं ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं तो इसको देखिए ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी यस uh, रेड yes, दूसरी जो जाती है इसके साथ वो ऐसे गई और ये यहाँ पर ऐसे आई तो हम क्या देखते हैं कि एक ने आइनोस्फियर के अंदर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये इतना और दूसरी ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसने इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ तक हमको पहचानना है कि ये ए है या ये ए है इन दोनों में से कौन सी है तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमारा टेस्ट किस बात का होता है इस चीज़ का कि हमको ये प्रिंसिपल पता है कि नहीं कि जिस वेव की ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है दो चीज़ें याद रखिए एक तो उसकी पावर ज़्यादा होती है हमको मालूम है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू तो न्यू फ्रिक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी कौन सी पावर पेनिट्रेशन की पावर ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट कर सकती है दूसरा जब इसके सामने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा चूंकि पेनिट्रेट ज़्यादा करती है रिफ्लेक्ट कम होती है तो इसका रिफ्लेक्शन कम होता है देखिए इसमें इसका रिफ्लेक्शन जल्दी हुआ ये यहाँ आ गई इसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे हुआ और ये मैं कहूँगा ये यहाँ से ये इस तरह से तो ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बेंड होती है और ये जल्दी बेंड हो जाती है तो जो कम बेंड होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वो कौन सी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो ये इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है ऊपर जाती है तब जाकर बेंड होती है तो ये कौन सी है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली थ्री मेगा वाली और उसका नाम क्या है बी सो वी हैव दिस आंसर बी हीयर एंड वी मार्केट बी इज एट दिस पॉइंट यस सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन

क्योंकि हमको मालूम है हम क्या पैदा कर रहे हैं कैरियर वेव कैरियर वेव के लिए कौन सा सर्किट लगता है ये आपको याद होगा कि हमने एक सर्किट बनाया था यहाँ पर मैं उसको बना रहा हूँ ये एक इंडक्टर और ये एक कैपेसिटर ये दोनों और इसको हम सप्लाई देते हैं एक बार इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो होती है और दूसरी बार वापस इस डायरेक्शन में फ़्लो तो ये इस तरह से इसमें ऑसिलेशन होते हैं। तो ये जो ऑसिलेशन होते हैं यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करते हैं जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वही ईएम वेव की फ्रिक्वेंसी हो जाती है तो ये फ्रीक्वेंसी होती कितनी है इसका फार्मूला हमको मालूम है ये फार्मूला है न्यू इज़ इक्वल टू वन अपॉन टू पाई रूट एल सी ये इंडक्टर की वैल्यू और ये कैपेसिटेंस की वैल्यू ये इसका फॉर्मूला है ओके okay. अब हमको इसको कैलकुलेट करना है और इसको कैलकुलेट करके हमको क्या चाहिए हमको चाहिए एल सी प्रोडक्ट एल सी प्रोडक्ट मतलब हमको इसकी वैल्यू चाहिए ये रूट एल सी की इसको हम कहते हैं एल सी प्रोडक्ट तो इसके लिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि वन अपॉन टू बाई रूट एल सी ये किसके बराबर है ये हमको दिया है वन मेगा हर्ट्स वन मेगा हर्स दैट इज़ टेन टू द पावर सिक्स टेन टू द पावर सिक्स अब यहाँ से ये रूट एल सी को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और वन मेगा हर्स टेन टू द पावर सिक्स को नीचे ले आइए ये डिनोमिनेटर में चला गया ये टू पाई इंटू टेन टू द पावर सिक्स ये रूट एल सी की वैल्यू आ गई एंड दिस इज वॉट वन अपॉन टू पाई और टेन टू द पावर सिक्स को ऊपर करेंगे तो टेन टू द पावर माइनस सिक्स और इसमें हमको ये दिख रही है ये बी पर इसकी वैल्यू है सो दिस इज द राइट आंसर फॉर एस बी ओके दिस इज हाउ वी फाइंड इट तो यहाँ पे टेस्ट किस बात का था कि हमको कैरियर वेव के ऑसिलेशन का फॉर्मूला आता है या नहीं आता है एम्पलीफायर में ये कहाँ पर बनती है और इसका रिलेशन क्या होता है नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन ए टी वी ट्रांसमिशन टॉवर एंटीना इज एट ए हाइट ऑफ ट्वेंटी मीटर हाउ मच सर्विस एरिया कैन इट कवर इफ द रिसीविंग एंटीना इज एट ए हाइट ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर दो एंटीना है तो ये कितना सर्विस एरिया कवर करेंगे तो पहले हमको दिमाग में ये डिज़ाइन आना चाहिए कि दो एंटीना की हाइट से सर्विस एरिया कहते किसको है? क्या होता है तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ ये हमारा ग्राउंड है इस ग्राउंड पर दो एंटीना है ये एंटीना वन जिसकी हाइट एच वन है और ये एंटीना टू जिसकी हाइट एच टू है ये एंटीना एक एरिया कवर करता है जिसका फॉर्मूला हमको मालूम है वो यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये यह एरिया को कवर कर रहा है इतना ये हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये यहाँ से लेके कर यहाँ तक का एरिया ये कवर करता है तो नेचुरली इस तरफ भी उतना ही करेगा तो यहाँ से ले कर यहाँ तक ये यह पूरा ये सिग्नल इसको मिलते हैं ये सिग्नल ग्राउंड पे कवर होते हैं और इसके कारण ये सिग्नल एक लाइन में नहीं एक सर्कल में घूमते हैं तो इनका जो कवरेज एरिया होता है वो कवरेज एरिया इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाते हुए होता है ये इस तरह से ये ये वो एरिया है जिसको हम क्या कहेंगे सर्विस एरिया जिसमें इस पूरे के सिग्नल हमको मिलते हैं ये एरिया हमको निकालना है इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको इसका रेडियस चाहिए तो हम पाई आर स्क्वेयर करके इसका एरिया निकाल सकते हैं तो इसमें रेडियस कहाँ है तो आंसर है इसका रेडियस ये का पूरा हमने टोटल किया तो ये क्या मिलेगा हमको डायमीटर डायमीटर और इस डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है डायमीटर का हाफ किया तो ये हमको मिलेगा रेडियस ओके सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय टू और डायमीटर हमको पता है यहां से लेके यहां तक है अब इस डायमीटर में कैसे इसको निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है हमारे पास ये फॉर्मूला है कि अगर दो एंटीना लगे हुए हैं तो उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है और उसका हाइट से क्या रिलेशन होता है यानी कि यहाँ देखिए ये दोनों टावर के बीच ये वाला जो डिस्टेंस है इसका फॉर्मूला हमारे पास है क्या फॉर्मूला है इसका एक टावर कितना कवर करता है रूट टू आर एच रूट टू आर एच ये रूट टू आर एच क्या होता है रूट टू आर एच यहां पर मैं लिख रहा हूं रूट टू आर एच ये होता है डिस्टेंस ये ये होता है एक डिस्टेंस यानी यहां से लेकर यहां तक तो पहले वाले का जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक आएगा उस डिस्टेंस को मैं यहाँ पर माइंड uh, करता हूँ लेटस uh, yes. से यस ये यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस ये इसके लिए यहाँ हम क्या लगाएंगे एच के साथ एच वन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसके लिए हम क्या लगाएंगे इस सेंटीना से इतनी दूर आया इसके लिए हम लगाएंगे ये रूट टू आर एच और ये एच के साथ टू ये आ गया ओके okay. तो इस तरह से ये दोनों के ये डिस्टेंस है इसको हम कर देते हैं एड अगर हम इन दोनों को ऐड करें लेकिन उससे ये पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का नहीं निकला इसके लिए हमको क्या करना है इसको भी डबल करिए और इसको भी डबल करिए दोनों को डबल करिए तब ये पूरी लाइन आएगी तो हमको उसको टू से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों के एडिशन को तो इन दोनों को ऐड करेंगे इसको और इसको ऐड करेंगे और इस पूरे एडिशन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या मिलेगा हमको ये पूरा डिस्टेंस इस सर्कल का उस डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो उसका रेडियस मिल जाएगा क्योंकि हो सकता है ये एक छोटा हो ये बड़ा हो ये बड़ा हो ये छोटा हो है क्यों है क्योंकि दोनों हाइट अलग अलग है हमको दी गई है एक की हाइट 20 है एक की 25 है तो दोनों का रेंज अलग अलग होगा ठीक अब हम इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन पे आते हैं जो मैंने आपसे बात की यहां देखिए टू और ये है 6.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर सिक्स ये क्या है ये है रेडियस ऑफ द अर्थ आर ये उसकी वैल्यू है रेडियस ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द टॉवर 20 ये पूरा मीटर में है ये एक का और ये दूसरे का तो ये हमने दोनों का निकाला और दोनों को ऐड कर दिया इसको डबल किया फिर से हाफ किया तो यही आ गया कितना 33.9 किलोमीटर ये हमको इन दोनों के बीच का रेंज मिला ये यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन कर रहे थे ये इन दोनों का जो आधा है जो कि हम रेडियस निकालना चाहते हैं ये है रेडियस ऑफ सर्विस एरिया रेडियस ऑफ सर्विस एरिया यहाँ से यहाँ तक ओके ये ऐसे इस पूरे का हाफ राइट right. अब ये रेडियस हमने निकाल लिया और ये हमको कितना मिला है दिस हैज कम टू बी 33.9 किलोमीटर अब इसका पाई आर स्क्वायर कर देना है वेरी सिंपल पाई आर स्क्वायर ऑफ 33.9. ये जब हम करेंगे करके देखिए इट कम्स टू बी 36.08.52 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ जब हम चेक करते हैं ये हमको यहाँ पर ये यहाँ से ये मैच हो गया सो दिस इज अवर राइट आंसर बी सो दिस इज हाउ इट इज सॉल्व नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन यस दिस इज अगेन ए डिफरेंट फॉर्मूला मॉडुलेशन हमको पता है एक कैरियर वेव हम यूज करते हैं जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा रहता है और हमारे सिग्नल का एम्पलीट्यूड उससे कम रहता है एम्पलीट्यूड किससे नापते हैं वोल्टेज से ओके okay. और दोनों को एक ही तार में जब हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें जो हमको वेव मिलती है दैट इज़ नोन एज मॉड्यूलेटेड वेव फिर से दो सोर्स है हमारे एक सोर्स से कैरियर वोल्टेज और एक सोर्स से जाएगी सिग्नल वोल्टेज दोनों मिलकर जब एक केबल में जाती हैं एक तार में जाती हैं तो उसमें हमको मॉड्यूलेटेड वोल्टेज मिलती है उसको हम वेव कहेंगे ये उस मॉड्यूलेटेड वेव का डायग्राम है ग्राफिकल डाइग्राम इसमें ये हमको वोल्टेज दिखाता है ये तो हम क्या देखते हैं कि ये मॉडुलेटेड वेव का ये मैक्सिमम वोल्टेज है इतना और ये मिनिमम वोल्टेज है इतना हम चाहें तो इसको दिखा सकते हैं कितना है क्योंकि ये हमको दिया गया है तो इससे जो हमको दिया गया है उससे हम लोग इसको बनाएंगे तो ये जो हमको दिया है मैक्सिमम वोल्टेज दिस इज हंड्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक लेकिन हमने कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है हमने यहाँ से काउंट करते हैं तो यहाँ से ये जो वोल्टेज हमको मिली इतनी ये ये कितनी है तो हंड्रेड का आधा हंड्रेड का हाफ कितना हुआ फिफ्टी ये ओके यहाँ से मिनिमम वोल्टेज ये जो मिनिमम वोल्टेज है यहाँ भी मिनिमम है यहाँ भी मिनिमम है ये मिनिमम वोल्टेज कितनी है तो मिनिमम वोल्टेज हमको मिलती है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 तो अगर ये यह यहाँ से यहाँ तक 20 है तो ये कितना हुआ तो आंसर है ये मिनिमम वोल्टेज हुआ 10 10 वोल्ट ओके okay. ये हो गया अब ये क्या है और ये क्या है तो आंसर है ये जो फिफ्टी हमको मिला है ये दोनों की वोल्टेज का सम है यानि एम्प्लीटूड ऑफ कैरियर प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज या वोल्टेज ऑफ कैरियर प्लस मैसेज वोल्टेज और ये क्या है ये दोनों का डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन दैट इज वोल्टेज ऑफ कैरियर माइनस वोल्टेज ऑफ मैसेज ये हमको 10 वोल्ट मिलता है ये 50 मिलता है लेकिन हमें क्या निकालना है ओके कैलकुलेट परसेंटेज मॉड्यूलेशन पीक वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन वोल्टेज इंफॉर्मेशन वोल्टेज किसको कहते हैं मैसेज वोल्टेज जिसको मैं बोल रहा हूं दैट इज़ इंफॉर्मेशन वोल्टेज वो हमको चाहिए क्या ये इंफॉर्मेशन वोल्टेज है नो no. ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है किस किस का कैरियर और इंफॉर्मेशन का वेरी गुड सो सबसे पहले हमारा चेक टेस्ट क्या है कि हमको मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला पता है या नहीं तो हमको मॉडुलेशन का फॉर्मूला आता है और मॉडुलेशन का फॉर्मूला क्या है देखिए ये ये दो चीज़ अभी तक हम कर चुके हैं ये जो मैंने आपको बताया मैक्सिमम वोल्टेज हमको कितनी मिल रही है 50 वोल्ट और मिनिमम वोल्टेज हमको कितनी मिल रही है 10 वोल्ट ये सब्ट्रैक्शन है अब मॉडुलेशन का फॉर्मूला ये हमको याद किया हुआ है ये एक अल्जेब्रिक फार्मूला है जो हमको मैक्स और मिनिमम मालूम है इससे हम दोनों का जो रेशियो निकालते हैं दैट इज नोन एज इंडेक्स मॉडुलेशन इंडेक्स और अगर परसेंटेज बनाना है तो हंड्रेड से और मल्टीप्लाई कर देना तो मॉडुलेशन इंडेक्स क्या होता है दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो ये जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी इस तरह से और इसको सॉल्व कर दिया इसको सॉल्व करने से ये आ गया टू अपॉन थ्री इंटू हंड्रेड दैट इज सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट इस दी मॉडुलेशन और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कहीं पर ये आंसर है तो ये यह है यहाँ पर सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट ये यह हमको यहाँ पर आंसर मिल रहा है इसका यस yes. ओके okay. तो इससे हमको ये समझ में आता है कि सी चॉइस इसमें करेक्ट चॉइस है लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि हमारा अगला आंसर 20 वोल्ट आता है या नहीं आता है ओके okay, तो इसको किस तरह से करेंगे इसको हम इस तरह से कर सकते हैं हमें क्या चाहिए वी मिनिमम चाहिए हमको वी मैक्स माइनस वी मिनिमम की वैल्यू मालूम है ये 40 इसकी वैल्यू हमको मालूम है सिक्सटी इन दोनों को ऐड कर दीजिए नो सॉरी इन दोनों को हमने uh, हाँ ओके okay. राइट right. तो जो पीक इंफॉर्मेशन वोल्टेज होती है उसका फॉर्मूला याद करिए कैरियर वोल्टेज में जब हम ये इंडेक्स ऑफ मॉडुलेशन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको क्या मिल जाती है मैसेज वोल्टेज क्यों क्योंकि हमने जो बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया ये यह यहाँ पर मैं बेसिक फॉर्मूला लिखता हूँ म्यू इज़ इक्वल टू वोल्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन ट इज मैसेज डिवाइडेड बाई वोल्टेज ऑफ कैरियर ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है तो वोल्टेज ऑफ मैसेज कितना हुआ म्यू मल्टीप्लाइड बाई वी सी तो ये फॉर्मूला भी हमको याद रहना चाहिए म्यू का फंडामेंटल फार्मूला तो यहां पर हमने वही किया वोल्टेज ऑफ मैसेज इज इक्वल टू म्यू वोल्टेज ऑफ वी सी और ये हमको मिल गया म्यू की वैल्यू टू बाई थ्री इंटू थर्टी थर्टी कहाँ से आया वी सी ये हमने कहाँ से निकाला था सी हमने पहले निकाल लिया था कि ये सिक्सटी होता है ओके राइट हम्म तो इस तरह से दिस इज टू अपॉन थ्री वी की वैल्यू थर्टी राइट क्या हम इसमें वी और वी सी यहां निकाल चुके ये रहा वी एम वी मैक्सिमम सॉरी ये वी मैक्सिमम है ये वी मिनिमम है अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें 50 और 60 को इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वी ओके उसका हमने हाफ कर दिया तो हमको क्या मिल गया कैरियर वोल्टेज और अगर हम इससे इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा या इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये कैंसल हो गया तो वी मिनिमम हमको मिलेगा और इसको जब हमने इससे डिवाइड किया इज सिक्सटी और ये है फोर्टी सिक्सटी माइनस फोर्टी तो ये हमको क्या मिला ट्वेंटी तो ये ट्वेंटी हमारा वी मिनिमम की वैल्यू आ गई वैसे भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए वी हमने निकाला है थर्टी वोल्ट इससे और उस 30 वोल्ट से म्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया 20 वोल्ट जो कि क्या है मैसेज की वोल्टेज राइट और वी सी कितना है 30 दोनों को ऐड करके देखिए वी सी प्लस वी एम कितना हुआ 30 प्लस ट्वेंटी फिफ्टी वी सी प्लस वी एम फिफ्टी वी सी माइनस वी एम करिए तो 30 माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू टेन देखिए दोनों का डिफरेंस 10. तो ये वी सी माइनस वी एम है ये वी सी प्लस वी एम है और इससे हम लोग दोनों सिंपल अलजेब्रा है वी सी और वी एम निकाल सकते वी एम आप चाहे वैसे निकालिए चाहे वी से निकालिए अलजेब्रा से निकालिए आंसर वही आएगा ट्वेंटी वोल्ट और ये हमने यहाँ पर इसको वेरीफाई किया दैट दिस इज़ करेक्ट 20 वोल्ट सो अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी सो हियर वी गिव द ऑप्शन सी एज द राइट ऑप्शन ओके, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए 50 मेगा हर्ट स्काईवेव टेक्स 4.04 मिलीसेकंड टू रीच ए रिसीवर वायर रीट्रांसमिशन फ्रॉम ए सैटेलाइट व्हिच इज 600 हंड्रेड किलोमीटर अबव दर्थ ओके तो हमने ये सोचा ये अर्थ है अर्थ से ये हाइट यहां पर सैटेलाइट है ये जो सैटेलाइट है इसकी हाइट हमको दी गई है कितनी 600 किलोमीटर सो दिस इज 600. ये एक डाटा हमें मिल गया ओके okay. अब इसमें हमको और क्या दिया गया है क्वेश्चन में निकालना क्या है हमको हमें बताया गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर यानि हमारे डायग्राम में हमको ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर है सोर्स ये सोर्स और ये है रिसीवर रिसीवर सोर्स रिसीवर तो हम इसके लिए अल्जेब्रा की हेल्प लेते हैं ये डिस्टेंस अगर निकल जाएगा तो हमको मालूम है ये जाएगा रिफ्लेक्ट होके आएगा तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो ये आइसोसलस्ट्रैंगल है जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये भी डिस्टेंस है तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन के लिए ये डाटा हमारे पास है ये डाटा और चाहिए ये क्या है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दी वेव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दी वेव हम कैसे निकालते हैं हमको पता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम वेलासिटी होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम डिस्टेंस टू एक्स कैसे हो गया तो यहाँ से एक्स ऐसे गया एक्स ऐसे आया 2x एक्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम क्यों हमने लिया ये फॉर्मूला क्योंकि हमको यहाँ पर टाइम दिया गया है कि इसको कितना टाइम लगता है ओके पॉइंट ज़ीरो फोर मिली सेकेंड हमको टाइम दिया गया है तो अगर ये हमको टाइम दिया गया है तो इस टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं इट इज़ हियर राइट इस टाइम को हम यहाँ यूज करते हैं ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज वेलोसिटी और वेलोसिटी हमको पता है कितनी होती है थ्री इंटू टेन टू द पावर एट और टाइम को हम उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट गिव्स दी वैल्यू ऑफ टू एक्स फिर उसका हाफ कर देते हैं और ये सॉरी ये रॉन्ग हो गया दिस मस्ट बी टू ओके तो एक्स इज इक्वल टू सो मच डिवाइडेड बाई टू एंड दैट कम्स टू बी सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टेन टू द फाइव दैट इज सिक्स हंड्रेड सिक्स इसका मीटर बनाया ये मीटर है तो इसको हमने किलोमीटर बना लिया दिस इज सिक्स हंड्रेड सिक्स किलोमीटर ओके ये क्या निकाला हमने एक्स ये इस ट्रैंगल पर आ जाइए ये हमने ये एक्स निकाल लिया दिस एक्स अब जब हमको ये एक्स की वैल्यू पता है दिस इज सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स और ये है 600 अब सिंपल पाइथागोरस हमने लगाया और ये लगाकर हमने ये वैल्यू निकाल ली डी की वो जो डी की वैल्यू निकली उसको डबल कर दिया ये डी की वैल्यू यहाँ से हमने इसको डबल कर दिया तो ये टू डी की वैल्यू आ गई दिस इज़ वन सेवेंटी किलोमीटर एंड दट इज़ द आंसर ओके कौन सा ये हमारा पहला आंसर है लेकिन हम क्या देख रहे हैं इन्होंने हमसे दो आंसर पूछे हैं पहला आंसर क्या पूछा है डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द रिसीवर और दूसरा आंसर क्या पूछा है व्हाट शुड बी दी साइज एंड व्हाट शुड साइज एंड प्लेसमेंट ऑफ रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन एंटीना ये हमको इनका साइज बताना है साइज ओके okay? तो एंटीना के साइज़ के लिए फिर से हम एक फार्मूला ढूंढते हैं जिसमें एंटीना का साइज होता है और वो फार्मूला हमको पता है वो फार्मूला हमको इस तरह से पता है कि एंटीना का साइज सोर्स एंड रिसीवर दोनों जगह दो एंटीना लगे हुए हैं एक की हाइट H1 है एक की हाइट H2 है, है ओके अगर दोनों की हाइट बराबर है H और H, तो वो डिस्टेंस कितना होता है आंसर है रूट टू आर एच को डबल कर दीजिए ये तो यहां पर देखिए अगर यहां हमारे पास एक एंटीना है ये एक एंटीना यहाँ है और एक एंटीना यहाँ है ये दो एंटीना है ये दो एंटीना अगर है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये फार्मूले से आता है ये हमको याद है तो इस फॉर्मूले को हमने रख दिया और ये डिस्टेंस हमने अभी अभी निकाला है ये डिस्टेंस 170 किलोमीटर निकाला है रेडियस ऑफ अर्थ हमको पता है दैट इज 6400 किलोमीटर तो ये वैल्यू हमको पता है ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं अब इससे सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू है एच टी की ये आप निकाल लीजिए दो स्टेप करने के बाद में स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वेयर कर दिया और ये करके एच की वैल्यू आ गई दैट इज़ फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव मीटर या पहले किलोमीटर आएगा उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया फाइव सिक्सटी फाइव मीटर क्योंकि हमारे आंसर्स को हम चेक करते हैं आंसर्स किलोमीटर में है तो हमको मीटर की जरूरत नहीं है किलोमीटर इज़ गुड इनफ पॉइंट फाइव सिक्स फाइव दिस इज़ पॉइंट फाइव सिक्स फाइव और वन सेवेंटी दिस इज़ वन सेवेंटी तो एक्चुअली जब पहला आंसर आता है तो हमारा दूसरा आंसर भी मिलना चाहिए फिर भी हम लोग उसको कंफर्म कर लेते हैं ये दूसरा आंसर भी मिल गया तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों हैं 170 और पॉइंट ये ये दोनों आंसर इसके करेक्ट है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द होल अर्थ इज टू बी कनेक्टेड बाय लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन यूजिंग स्पेस वेव्स नो रेस्ट्रिक्शन एंटीना साइज टॉवर हाइट कुछ भी हो कोई भी साइज के टॉवर लगा सकते हैं वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनाज रिक्वायर्ड कैलकुलेट द टॉवर हाइट ऑफ दीज एंटीनाज इन टर्म्स ऑफ अर्थ रेडियस तो इनका ये क्वेश्चन है कि अगर हम अर्थ पर पूरा ट्रांसमिशन करना चाहते हैं ये हर जगह पर तो हमको कम से कम कितने एंटीना लगाना चाहिए नंबर वन नंबर टू कि उस एंटीना की हाइट कितनी होगी और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप जितनी ऊंची मर्जी हाइट रखना है रखिए आंसर बताइए ओके okay. और इन्होंने हमको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शंस को देखिए नंबर ऑफ एंटीना सिक्स फाइव फोर थ्री ये हमारे पास ऑप्शन है एंटीना के और एंटीना की हाइट आर हाफ ऑफ दी आर और डबल ऑफ दी आर इनमें से हमको एक चॉइस करनी है तो सबसे पहले नंबर ऑफ एंटीनास कितने लगेंगे अगर हम इसमें तीन एंटीना लगाते हैं ऐसे यहाँ पर एक एंटीना यहाँ खड़ा कर देते हैं फिर 120 डिग्री लगा के यहाँ दूसरा और फिर 120 लगा के यहाँ तीसरा हो सकता है ऐसे वो कवर कर लें लेकिन ये जो आप देख रहे हैं पोल ये पोल रह जाएंगे यहाँ पर किसी एंटीना का ट्रांसमिशन नहीं पहुँचेगा इसलिए थ्री आंसर नहीं हो सकता और इसीलिए फोर भी नहीं हो सकता क्योंकि फोर हम कहाँ लगाएंगे दो एक्स की डायरेक्शन में ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स दो ऐसे लगा लीजिए प्लस वाई माइनस वाई चार चार से ये तो कवर होगा पर ये एरिया नहीं कवर होगा तो हमें जेड में भी लगाना चाहिए एक यहाँ और एक यहाँ याद करिए एक क्यूब क्यूबॉयड उस क्यूबॉयड में कितने फेसेस होते हैं तो आंसर है सिक्स फेसेस होते हैं चार और दो साइड हर फेस पे हमने एक एक एंटीना लगाया पूरा क्यूबॉयड कवर होता है इसलिए अर्थ पे भी वैसे ही होगा एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल और चार ऐसे क्रॉस करते हुए सिक्स सो रिमेंबर इफ यू वांट टू कवर फुल अर्थ विद एंटीनाज व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन थ्री डायमेंशंस ईच डायमेंशन विल हैव टू एंटीना वन प्लस साइड वन माइनस साइड प्लस साइड माइनस साइड प्लस साइड माइनस साइड सो द नंबर ऑफ एंटीनाज विल बी सिक्स और अब हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर नंबर ऑफ एंटीना सिक्स होंगे तो हम उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं किस तरह से हाइट निकाल सकते हैं उसके लिए देखिए पहले से हमने कुछ कैलकुलेशंस करके रखी हुई हैं जो कि हमारा नॉलेज होता है कि एंटीना की हाइट कितनी होती है एंटीना की हाइट हम सबको पता है रूट टू आर एच होती है ठीक है अगर दो एंटीना हैं तो उनके बीच कितना रेंज कवर होता है उसका डबल हमने अभी क्वेश्चन बनाए दैट इज़ टू इंटू रूट टू आर एच ये दो एंटीना के बीच का जो डिस्टेंस कवर होता है उसका फॉर्मूला है और अब हम उसको यूज़ करते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस है चार एंटीना हमने लगाए हुए हैं और ये एंटीना की हाइट है एच टी दूसरे की भी इतनी ही हाइट है एच टी तो ये 90 डिग्री राइट right एंगल बन गया ये वाला जो डिस्टेंस है इसका फॉर्मूला हमको पता है ये कितना होता है तो ये होता है ये रूट टू एच टी तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक इसका डबल डबल यानी टू रूट टू आर एच राइट ये हो गया लेकिन अगर हम इस यहां पर देखिए अगर हम इसमें देखते हैं दिस इज ए राइट एंगल ट्रैंगल तो स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेनियस दिस इज इक्वल टू दिस स्क्यर प्लस दिस ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया तो इसकी हाइट कितनी है आर प्लस एच टी तो आर प्लस एच टी का स्क्वेयर प्लस आर प्लस एच टी का स्क्वेयर दोनों मिलाकर कितना हो गया टू आर प्लस एच टी का स्क्वेयर और ये किसके बराबर है ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर है और ये डी स्क्वायर ये जो डी है यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस ये हमने पहले से निकाल के रखा इतना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए इसका स्क्वायर कितना हुआ टू, टू जा फोर फोर टू ज़ा एट आर एच रूट हट गया एट आर एच तो ये जो एट आर एच है ये किसके बराबर हुआ टू आर प्लस एच टी का स्क्वायर अब आप इसमें से एच टी की वैल्यू निकाल सकते इसको हमने स्क्वायर किया स्क्वेयर करने के बाद ये जो सबको कैंसलेशन किया टू से टू से कैंसिलेशन करने के बाद ये फोर आर एच इधर जाके माइनस हो गया तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस फोर हो गया आर एच तो ये टू माइनस फोर हुआ दिस विल गिव अस माइनस टू आर एच अब फॉर्मूला क्या बन गया आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू आर एच और वो किसका स्क्वायर होता है आर माइनस एच का होल स्क्वायर होता है तो ये इधर चला गया तो यहाँ क्या बच गया जीरो जीरो सो जीरो इज इक्वल टू आर माइनस एच टी का स्क्वायर उससे हमको मिला इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाला तो एच की वैल्यू क्या आ गई आर के बराबर सो आर इज इक्वल टू एच टी हाइट ऑफ़ द एंटीना ये हाइट ऑफ द एंटीना हमको कितना मिल गया है रेडियस के बराबर तो नंबर ऑफ एंटीना कितने आए सिक्स और हाइट ऑफ द एंटीना कितनी आई आर तो हमको तो पहले से ही ये मिल गया था हमने आर को भी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया दिस ओके okay. तो ये हम पहले ही निकाल चुके थे सिक्स उससे हमको पता था ए आंसर होना चाहिए और भी हमने वेरीफाई करके आर भी वेरीफाई कर लिया सो नाउ वी गेट दिस आंसर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस ओके नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई वेव्स फ्रॉम ए सर्टन लेयर ऑफ द एइनोस्फियर इज फाउंड टू बी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नाइन एन मैक्स हाफ वेयर एन मैक्स ये क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट लेयर ऑफ द आइनोस्फियर हमको पता है कि आइनोस्फियर से आइनोस्फियर में अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स होती हैं ओके okay? और ये अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स में नीचे से वेव्स जाती हैं कुछ यहाँ से वापस आ जाती हैं कुछ यहाँ से वापस आ जाती हैं और कुछ यहाँ से वापस है, है, आती हैं राइट right. so <coughs> nx is the maximum electron density at that layer of the atmosphere फिर से maximum frequency for reflection ye reflection और ये density ये इन दोनों का आपसी ये frequency है इस frequency की wave इस density से reflect होती है ये दोनों का relation है okay ये relation यहाँ से हमको पता लगता है right अब on a certain day it is observed that signal of frequencies higher than 5 megahertz are not received by the reflection from f1 layer of the ionosphere while signals of frequency higher than 8 megahertz are not received by reflection from f2 okay layer of the ionosphere estimate the maximum electron density of एफ़ वन एंड एफ़ टू लेयर्स ऑन दैट डे तो यहाँ से ये जो लेयर्स हमको यहाँ पर आ रही है ये इससे अगर ज़्यादा होती है तो ये ऊपर वाले में चले जाती है इससे अगर ज़्यादा होती है तो ये और ऊपर वाले में चले जाती है तो यहाँ पर जो हमको लेयर मिलेगी उस लेयर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये दिया गया है फाइव मेगाहर्ट्ज़ मतलब ये जो हमारे पास F1 वन लेयर है कौन सी F1 F1 से ये जो रिटर्न हो रहा है दैट इज 5 मेगा अब इसके ऊपर वाली लेयर से जो रिटर्न हो रहा है ऊपर वाली लेयर से दैट इज 8 मेगा 8 एट मेगा उससे ऊपर जो होती है वो यहाँ रिसीव नहीं होती ऊपर चली जाती है यही इन्होंने लिखा है फिर से समझिए फ्रीक्वेंसीज हायर देन फाइव मेगा नॉट रिसीव फ्रॉम एफ वन फाइव मेगा आया और इसे ऊपर वाला पंचर करके अंदर चला गया नहीं आया इस लोकेशन पर ठीक है और इस लोकेशन पर एट वाले तक आते हैं सिक्स सेवन एट एट के ऊपर हुआ तो ये और ऊपर चला गया नहीं मिलता हमको ठीक है तो ये दोनों की हमको फ्रीक्वेंसी पता लग गई राइट right. अब हमसे क्या पूछा जा रहा है हा एस्टिमेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एफ वन एंड एफ टू लिया यानी हमको फ्रीक्वेंसी दी है और डेंसिटी पूछा है दैट इज वेरी सिंपल एक इक्वेशन है ना हमारे पास सो विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन वेरी वेल सॉल्व इट देखिए फॉर एफ वन लेयर एफ वन लेयर में फ्रीकवेंसी कितनी रिटर्न आती है फाइव इंटू टेन टू द पावर सिक्स फाइव मेगा है मेगा के लिए हमने टेन टू द पावर सिक्स बनाया और इसी फार्मूले को यूज़ किया एन मैक्स अनोन रहने दिया इससे हमको एन मैक्स की वैल्यू निकल आई दैट्स ऑल सो इट इज सो सिंपल एज दैट तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है सिर्फ हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो फ्रिक्वेंसी हमको क्वेश्चन में दी गई है ये जो क्वेश्चन में दी हुई फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर एट मेगा और फाइव मेगा ये ये दोनों यही वाली फ्रीकवेंसीज है और इसमें कोई भी छिपी हुई चीज़ नहीं है वेरी सिंपल तो इस तरह से n1 की वैल्यू निकाली f2 लेयर में ये फ्रीक्वेंसी है जो कि वापस आ जाती है सो तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इससे ज़्यादा होगी ऊपर चली जाएगी और यही हमारा फार्मूला है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो उसमें हमने एट को रखा एट मेगा उससे हमारी डेंसिटी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर आ गई तो डेंसिटी मैक्सिमम ये मैथमेटिक्स हमने कर दिया और ये मैथमेटिक्स करके निकाल लिया सेवन सो वी गॉट टू आंसर्स हीयर थ्री एंड 7.9 और ये हमको यहीं पर ए में मिल रहे हैं दोनों आंसर यहाँ पर सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन ए सो दिस इज हाउ वी गॉट इट थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है उतना ऊपर तक जाएगा और एक पर्टिकुलर लेयर से वो वापस आएगी उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स वहाँ हमको नहीं मिलेंगी और कम फ्रिक्वेंसी की भी नहीं मिलेंगी क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी वाली पहले ही नीचे लेयर से वापस आ चुकी ये पिक्चर हमारे दिमाग में होनी चाहिए और इसी के बेस पर यह एक सिंपल फॉर्मूला दिया था ओके नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज रिलेटेड टू अनदर फिनोमिना अटैनुएशन अटैनुएशन क्या होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ का कम हो जाना जैसे जैसे सिग्नल वेव अपने सोर्स से दूर जाती जाएगी उसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ को हम डीबी में नापते हैं डेसिबल्स में तो उसकी डेसिबल की वैल्यू कम होते जाती है इसकी यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है डेसिबल पर किलोमीटर डेसिबल पर किलोमीटर ओके तो अगर हम दो किलोमीटर जाएंगे तो उसको एफिशियट का टू से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर दस किलोमीटर जाएंगे टेन किलोमीटर तो उसको एफिशेंट को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे उतना डी बी उसका वीक होते जाता है ओके okay, तो ये जो हमारा सिग्नल है ये सिग्नल का आपने ये डायग्राम पढ़ा हुआ होगा वेर इट इज़ यस हेयर ओके तो ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहाँ पर आप देखिए जो पहले इतना बड़ा था ये इतना छोटा हो गया ये ऐसे छोटा होते जाता है एंड इट गोज़ लाइक दिस दिस इज अटैनुएशन ओके तो ये इसका हमको फॉर्मूला दिया गया है ये उसका अटैनुएशन का फॉर्मूला है ये क्या है अटैनुएशन जो कि डीबी में है ओके टोटल अटैनुएशन और ये है इंटेंसिटी ऑफ वेव एट दिस लोकेशन एंड दिस इज एट द सेकेंड लोकेशन ये आई औरिजिनल है यहाँ का आई ओ और यहाँ पर जो हमको मिल रहा है ये आई है और ये डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस एक्स है तो अगर ये सिंगल डिस्टेंस में यहाँ पर अल्फ़ा कम होता है फिर एक और अल्फा फिर एक और अल्फा एक एक किलोमीटर में तो एक्स किलोमीटर में कितना कम हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय एक्स ये वो है तो अल्फ़ा एक्स क्या चीज़ है अटैनुएशन ये जो अटैनुएशन अल्फा एक्स है अल्फा इंटू एक्स ये इस फॉर्मूले से आएगा ये इंटेंसिटी ओरिजिनल और ये इंटेंसिटी जो एक्स किलोमीटर के बाद हमको मिलती है दिस इज़ अ वेरी सिंपल रिलेशन ओके तो ये रिलेशन को याद करके हम फिर से अब इसको बनाना शुरू करते हैं हमको गिवन क्या है अटैनुएशन हाँ इन विच इंटेंसिटी फॉल्स बाय फिफ्टी परसेंट यानी आई अपॉन आई नॉट हमको दिया गया है 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट फिफ्टी अपॉन हंड्रेड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर ये भी हमको दिया गया है डिस्टेंस 50 किलोमीटर है लेकिन पर किलोमीटर कितना कम होता है वो हमको नहीं मालूम है और वही हमको चाहिए दिस यहाँ क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ अटैनुएशन इन डीबी पर किलोमीटर <coughs> मान लीजिए ये डीबी पर किलोमीटर अल्फ़ा है तो टोटल अटैनुएशन कितना हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स और ये हमने यहाँ शुरू किया अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय एक्स ये अटैनुएशन हुआ ओके okay. तो फॉर्मूला वही हमने लगाया जो इन्होंने हमको यहाँ दिया हुआ है ऊपर में टेन लॉग आई अपॉन आई नॉट और आई अपॉन आई नॉट को क्या रखा फिफ्टी परसेंट दैट इज़ हाफ ओके तो ये हुआ टेन लॉग हाफ इज़ इक्वल टू माइनस इसलिए रखते हैं क्योंकि ये निगेटिव जा रहा है कम होते जाता है इसलिए अदरवाइज उसका कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है ओके सो दिस इज इज इक्वल टू अल्फा और ये 50 कहाँ से आया दिस इज 50 ये यहाँ से आप देख रहे हैं 50 किलोमीटर ये एक्स की वैल्यू हमने रख दी एक्स की वैल्यू इस तरह से ये अल्फ़ा एक अननोन क्वांटिटी हमको यहाँ पे पता लग गई तो यहाँ से हमने किया और अब ये छोटी सी मैथमेटिक्स है दिस कम्स टू वन अपॉन टू एंड दिस इज लॉक टू इज इक्वल टू फाइव अल्फा दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गया फाइव अल्फा सो लॉक टू इज इक्वल टू फाइव अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू लॉक टू अपॉन फाइव लॉक टू की वैल्यू यहाँ पे रख दी एंड दिस कम्स टू बी पॉइंट ज़ीरो सिक्स जीरो टू डी बी पर किलोमीटर और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू देखी एंड दिस कम्स टू बी वैल्यू बी हिर इट इज़ ओके सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस बी इज़ द राइट ऑप्शन ओके सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट अटैनुएशन तो सिर्फ हमको वो समझ में आना चाहिए कि उसका यूनिट क्या था राइट एक्स कहाँ पर रखना है नाउ वी गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अटैनवेशन का ही क्वेश्चन है दैट मीन्स अटेनुएशन एक इंपॉर्टेंट है राइट सो फिगर शोज ए कम्युनिकेशन सिस्टम वॉट इज द आउटपुट पावर वैन इनपुट सिग्नल इज वन पॉइंट जीरो वन मिली वॉट ठीक है यहाँ से इनपुट सिग्नल हमने लिया है वन पॉइंट जीरो वन मिली वॉट गेन एम्पलीफायर में गेन होता है अटैनएशन का उल्टा ओके okay? गेन ये एक एम्पलीफायर ने इसको गेन किया 10 डीबी इसका गेन हुआ दैट इज़ प्लस उसके बाद इसका लॉस होते चला गया क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांसमिशन वायर है इस ट्रांसमिशन वायर में जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ेगा इट विल लूज़ स्ट्रेंथ और वो हमको मालूम है अल्फा इंटू एक्स पर किलोमीटर दो डी लॉस होता है तो पाँच किलोमीटर जाने में कितना हो जाएगा टेन डी लॉस हो जाएगा ठीक फिर से एक एम्पलीफायर आया इस एम्पलीफायर ने इसको ट्वेंटी डी दिया तो यहाँ आउटपुट हमें चाहिए इनपुट कितना था ये इनपुट इनपुट था वन पॉइंट ज़ीरो वन ठीक है तो ये 1.01 पॉइंट ज़ीरो वन मिली यहाँ से निकला और अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा देखिए टू डी बी पर किलोमीटर और पांच किलोमीटर ये तो ये कितना लॉस हो गया ये टेन डी बी का यहां पर लॉस हो गया राइट कम्युनिकेशन व्हाट इज आउटपुट पावर तो यहाँ पर अगर हमने इसको वन पॉइंट जीरो वन दिया था इनपुट सिग्नल दस डीबी इसको गेन हुआ फिर दस डीबी लॉस हुआ तो यहां सिग्नल कितना मिला इतना का इतना ही आया तो यहां पर सिग्नल कितना है 1.01 पॉइंट जीरो उसके बाद उसको 20 डी का गेम मिला तो आउटपुट कितना होगा ये हमको निकालना बेसिकली और हमारे पास फार्मूला क्या है उसका ये फार्मूला हमको दिया गया है दिस इज पावर इनपुट ये और ये पावर आउटपुट हमसे पूछा जा रहा है कि पावर आउटपुट कितना होगा अभी ये फिगर समझ में आ रहे हैं राइट right? तो यहां इनपुट आउटपुट निकालने की कोशिश मत करिए क्यों क्योंकि हमारा सीधा सीधा कैंसलेशन हो रहा है ना फाइव किलोमीटर टू डी पर किलोमीटर दस डी लॉस है इसका दस डी गेन है तो गेन और लॉस तो बराबर हो गया यही सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ में यहां पहुंच गया कितना वन अब ये वन क्या है यहाँ इसके लिए इनपुट है यहाँ रख देंगे और डी हमको कितना रखना है गेन 20 dB, ट्वेंटी 20 dB को यहां रख देंगे तो हमारा इक्वेशन इस तरह से आ गया ये यहां पर आप ध्यान दीजिए इस इक्वेशन पर ये इसको छोड़िए हम्म, हाँ, ये इसे देखिए टेन लॉग दिस तो P आउटपुट टेन लॉग P आउटपुट अपॉन P इनपुट तो P आउटपुट अपॉन पी इनपुट इज इक्वल टू ये हमको कितना मिला है इसका वैल्यू ट्वेंटी ट्वेंटी डी बी तो यहां पर जब हम ट्वेंटी रखते हैं तो टेन टू दावर टू हमें मिला एंड देन टू द पावर टू इज इक्वल टू हंड्रेड ये थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है लेट मी करेक्टेड दस ये ओके सॉरी लेटमी करेक्ट इट अगेन येस प्लीज सी इट अगेन दिस इज नॉट ट्वेल्व दिस इज ट्वेंटी तो हमारा फॉर्मूला क्या था हमारा फॉर्मूला था ये हमारा रिलेशन है डी बी इज इक्वल टू टेन लॉग दिस और ये डी बी कितना हमें मिला है ट्वेंटी सो दिस इज ट्वेंटी सो ट्वेंटी इज इक्वल टू टेन लॉग टेन पी और और ये ट्वेंटी और ये टेन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे हेयर विल बी टू तो लॉग पी आउटपुट डिवाइडेड बाई पी इनपुट इज इक्वल टू टू ये तो यहाँ पर हमने इन दोनों को कैंसिल किया एंड दिस विल टेन विल कैंसल एंड दिस विल बिकम टू सो लॉग पी अपॉन पी इज इक्वल टू टू तो पी आउटपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इज इक्वल टू टेन टू द पावर टू सो पी आउटपुट इज इक्वल टू पी इनपुट इन टू टेन टू द पावर टू और पी इनपुट की वैल्यू हमने रख दी जो हमको क्वेश्चन में दी गई है वन पॉइंट जीरो वन और इससे हमको ये आंसर मिला दिस 1.01 पॉइंट जीरो वन ओके आई विल राइट इट वेरी क्लियरली हियर सो दिस इज अगेन टेन लॉग पी ओ अपॉन पी आई इज इक्वल टू ट्वेंटी सो दिस गिव्स एस पी ओ अपॉन पी आई इज इक्वल टू टेन टू द पावर टू सो पी ओ इज़ इक्वल टू वन हंड्रेड इं टू पी आई और पी आई हमको दिया गया है यहाँ आप देख रहे हैं पी आई हमको दिया गया था शुरू में देट इज़ वन पॉइंट ज़ीरो वन सो वन पॉइंट ज़ीरो वन हंड्रेड इंटू वन पॉइंट ज़ीरो वन मिली वाट सो दिस इज़ इक्वल टू वन ज़ीरो वन मिली वाट ये हमें क्या मिलता है आउटपुट और यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया है दैट ओके व्हाट इज द आउटपुट पावर व्हाट इज द आउटपुट पावर तो ये आउटपुट पावर अभी हमने निकाली कितनी आई 101 मिलीवाट सो वी हैव इट हियर 101 मिलीवाट सो सी इज अवर राइट ऑप्शन 101 मिलीवाट सो दिस इज हाउ वी कुड सॉल्व इट नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट

कैरियर प्लस एम्प्लीट्यूड ऑफ सिग्नल मैसेज ये हमको देता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और यह कितना है पंद्रह वोल्ट सो दिस इज फिफ्टीन वोल्ट ओके अब यह हमें कैसे मिलेगा थ्री वोल्ट वो भी हमको तरीका पता है थ्री <coughs> वोल्ट दैट इज कैरियर वोल्टेज माइनस मैसेज वोल्टेज दैट इज इक्वल टू थ्री वोल्ट ये दो फॉर्मूले हमको याद रहने चाहिए अगर ये दो फॉर्मूले याद हैं दे इट इज अ सिंपल अलजबरा इससे आप ए सी और ये निकाल सकते हैं तो उससे मॉडुलेशन इंडेक्स कैसे निकलता है वो भी फॉर्मूला याद होना चाहिए तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इस चीज़ का टेस्ट है कि आपको ये मॉडुलेशन का फॉर्मूला कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला और मैसेज का फॉर्मूला याद है कि नहीं है तो ये दोनों चीज़ें निकालने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं देखिए ए सी प्लस ए एम फिफ्टीन है गिवन ए सी माइनस ए एम थ्री है गिवन तो इसमें दोनों को ऐड कर दिया ऐड करने से ट्वाइस ए सी एटीन आया ओके दोनों को ऐड किया 18 तो ए सी की वैल्यू ओके दैट वी आर नॉट कंसर्न ये आ गया ए की वैल्यू नाइन आएगी ए की वैल्यू सिक्स आएगी पर हमें वो निकालने को नहीं कहा गया हमें मॉडुलेशन इंडेक्स पूछा गया है तो मॉडुलेशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं मॉडुलेशन इंडेक्स ए की वैल्यू डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू सो दिस विल बी सिक्स अपॉन नाइन सिक्स अपॉन नाइन से क्या बना टू अपॉन थ्री दिस ट्वेल्व अपॉन एटीन करिए या सिक्स अपॉन नाइन करिए एक ही मीनिंग है दिस इज टू अपॉन थ्री दिस इज मॉडुलेशन इंडेक्स और हमारा क्वेश्चन क्या था Uh, that is what is the modulation index what is the modulation index and modulation index is 2 upon 3 so we have the right option here c and this is our right option okay so we got it here and now we go to the next question okay that's over and a few questions we have done. कम्युनिकेशन एक बड़ा अच्छा चैप्टर है स्कोर करने के लिए हार्डली आपको इसमें छः या आठ फार्मूलाज याद कर रहे हैं दैट्स ऑल थोड़े से कंसेप्ट जो कि बड़े ईजी है आराम से आ जाते हैं एंड देर फॉर इट इज़ सपोज टू बी वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर इसलिए अगर आप ये थोड़े से प्रैक्टिस करके जाएंगे इसमें हमने मॉडुलेशन भी ले लिया है अटेनुएशन भी ले लिया है रिफ्लेक्शन भी ले लिया है स्काई वेव के रिफ्लेक्शन, स्पेस वेव के रिफ्लेक्शन। इसमें सभी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर हो गई हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी दैट इज ऑन सेमी कंडक्टर डिवाइसिस ओके सो वी विल कम्प्लीट ऑल दिस चैप्टर्स आई विल ट्राई टू डू दैट बिफोर नेक्स्ट जे ई एग्जाम थैंक यू